हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रेल हब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं सिमरनजीत सिंह एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसको भेजा है रेल फैन शानवाज अली ने सीतापुर जंक्शन से। और लखीमपुर में गोमती नगर एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद सीआरएस स्पेशल ट्रेन सीतापुर पहुँची। और ये देखिए सीतापुर के आगे आउटर का व्यू, सिग्नल ग्रीन कर दिया गया है और सीतापुर जंक्शन से ट्रेन चल दी है। कुछ ही देर में अभी यहाँ आउटर केबिन पर आ जाएगी ट्रेन। और लखीमपुर में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करके निकली। गोमती नगर एक्सप्रेस को सीआरएस स्पेशल ने ओवरटेक किया, जिसके चलते गोमती नगर एक्सप्रेस 40 से 50 मिनट आज डिले हो गई। और जिनको आगे अपनी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी थी उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको सामने वीडियो इतना शार्प नहीं आ पाया क्योंकि नाइट का व्यू है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नाइट में इतनी क्लियरेंस नहीं है। और देखिए आपको दूर से लाइट दिख रही होगी ट्रेन की। यह सीआरएस स्पेशल गाड़ी जो है वो सीतापुर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होके लखनऊ जंक्शन की दिशा में जा रही है। ये मेरे रेल रिपोर्टर शानवाज अली आउटर जहाँ पे बुढ़वल लाइन क्रॉस करती है लखनऊ जंक्शन की लाइन से, वहाँ पर खड़े हैं। और ये देखिए सीआरएस स्पेशल ट्रेन, वीडियो इतना शार्प नहीं आ पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सीआरएस स्पेशल ट्रेन लखनऊ जंक्शन की दिशा की तरफ जाती हुई। और मेरे ख्याल से इनको डिनर दिया गया था सीतापुर जंक्शन पे कल की तरह। और आज दूसरा चरण सीआरएस का हुआ, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते तक आ जाएगी। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ही रेल संचालन मेलानी वासियों को, गोला वासियों को रेलगाड़ी का तोहफा बहुत जल्द मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से सभी सब्सक्राइबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।